पीएम ने किया बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन, किसान सम्मान निधि के 18वें किस्त जारी। पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को भेजा समन, सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का मामला, राउज अवेनी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोल्हापुर दौरा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और पशुपालन से संबंधित कई पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की है, साथ ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। संपूर्ण देशेती उपस्थित मारघोर भाई याडी भेणा सेन जय सेवाला जय सेवाला। निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में ही दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए। और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। पुणे की एक विशेष अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अब राहुल गांधी को तलब किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया गया है। अदालत ने बीते शुक्रवार को राहुल को समन जारी कर आगामी 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। बता दें कि बीते साल सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने इस सिलसिले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 15 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कोल्हापुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी ने छत्रपति शाहू महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद छत्रपति शाहूजी महाराज मंडप में एक सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित किया। गौरतलब है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के बाद विवाद शुरू हो गया था और विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। इसे लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य में मतदान शुरू होने के बाद अपना वोट भी डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतने जा रही है, हरियाणा के लोगों का मूड साफ है। बीजेपी 8 अक्टूबर को भारी अंतर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है।
और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया, सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा, और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही, उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।